और भाई वो क्या हाल चाल। मेरा नाम है सावन और टेक्निकल गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है, क्योंकि आज 10-12 दिनों के बाद फिर से मैं वीडियो टेक्निकल न्यूज़ जो है वो आपके लिए लेके आया हूँ। थोड़ा फेस्टिवल में बिजी हो गया था गाइस। सबसे पहली खबर आ रही है फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्लिपकार्ट का एक सेल 19 से 22 नवंबर तक ये लगने वाला है। इस सेल का नाम है फ्लिपकार्ट का मोबाइल बुंजा सेल। बेसिकली इस सेल में सिर्फ स्मार्टफोन पे आपको अच्छे अच्छे डील्स मिलेंगे। सभी स्मार्टफोन पे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ स्मार्टफोन है जैसे असूस जिनफोन मैक्स प्रो M1 वगैरह 3 GB फिर या फिर 4 GB वेरिएशन में, उसमें 1 से 1.5 हज़ार रुपये तक का डिस्काउंट है। शाओमी के जो सब ब्रांड पोको F1 उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेंगे, बट कितना डिस्काउंट मिलेगा ये भी इस फोन के लिए डिसाइड नहीं है। रियलमी C1 फोन पे भी डिस्काउंट मिलेगा, इसके भी प्राइस अभी रिवील नहीं हुए कि कितने ज़्यादा डिस्काउंट होने वाले हैं। रेडमी नोट 5 प्रो 4 GB वेरिएशन में, इसमें आपको 1 हज़ार रुपये तक आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है। गाइस इसी तरह के कुछ और फोन्स हैं जिसमें आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। बेसिकली अभी फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल खत्म हुआ, उसके बाद दिवाली सेल वगैरह खत्म हो गया। अभी कितना दिन हुआ दिवाली को गया हुआ यार, फिर देखो एक नया सेल। तो इनको सिर्फ सेल का बहाना चाहिए आपके जेब से पैसे निकलवाने के लिए। गाइस इसके बाद अगली खबर दूँ, उससे पहले मैं बता दूँ कि मेरे चैनल पे इस बार भी फिर से गिव अवे चलेगा, और जो लास्ट गिव अवे हुए हैं उनके रिजल्ट्स में आए हैं रिपियस कुमार देवांगन जी, तो उनको मिलते हैं ये सोनी के हेडफोन्स। अगर आप भी ये जीतना चाहते हैं, सोनी या फिर JBL या फिर वीवो के हेडफोन, कोई भी हेडफोन्स आपको मिल सकता है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, नीचे कमेंट करना होगा। कमेंट क्या करना होगा, मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसी का आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। गाइस अब फिर एक नया खबर Xiaomi की तरफ से आ रही है। Xiaomi इंडिया में एक नया ऑफर लेके आने वाला, ब्लैक फ्राइडे सेल। बेसिकली यह जो सेल है ये इंटरनेशनल काफ़ी पॉपुलर है। जैसे कि आप जो चाइनीज़ वेबसाइट अली एक्सप्रेस, गेयरविज, बैंगलोर वगैरह पे आप जाएंगे, तो वहाँ पे वो लोग बेसिकली ज़्यादातर ये ब्लैक फ्राइडे सेल या फिर 11/11 सेल जो है वो लेके आते हैं। तो 11/11 का सेल तो निकल गया, बट ब्लैक फ्राइडे का सेल बहुत जल्द आने वाला है। Xiaomi फर्स्ट टाइम अपने इंडिया में ये ब्लैक फ्राइडे सेल लेके आने वाला है। इस सेल के तहत Xiaomi का Redmi Note 6 Pro फोन भी ये मतलब बेचना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये फोन लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, थाईलैंड इंडोनेशिया वगैरह में ये फोन पहले से मिल रहा है, बट अपने इंडिया में भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 22 तारीख को समझ लो हो जाएगा, 23 से फ्लिपकार्ट 12 बजे फ्लैश सेल में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। Xiaomi बेसिकली पहले तो कंपनी है फोन अच्छे अच्छे बनाने लगे, सबको फोन मिलने लगे, बाकी एसेसरीज वगैरह पावर बैंक वगैरह सब कुछ बनाने लगी। अभी तो फैक्ट्री भी डाल दी है Xiaomi ने अपने इंडिया में, अभी वो सेल भी लेके आ रहे हैं। मतलब ऐसा Xiaomi का फ्यूचर ऐसा मुझे लग रहा है इंडिया में कि जो जो चाइना में भी हो रहा है वही सेम टू सेम चीज जो अपने इंडिया में भी लेके ये आने वाले हैं। गाइस इसके बाद जो खबर आ रही है Redmi Note 6 Pro के फीचर्स के लेकर, जो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये जो फोन होगा 6.26 इंच का फुल HD डिस्प्ले के साथ में ये फोन आने वाला है। पीछे भी दो और आगे भी दो कैमरे लगे हैं। जो पीछे जो दो कैमरे लगे हैं वो है 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का, और जो सामने सेल्फी कैमरा है 20 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का। पीछे वाले कैमरे जो 12 मेगापिक्सल उनके अपार्चर जो है 1.9, और सामने जो लगा हुआ 20 मेगापिक्सल उसके अपार्चर 2.0 है। तो 1.9 अपार्चर 12 मेगापिक्सल होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छी पिक्चर की क्वालिटी देने वाले, क्योंकि अपार्चर जितना कम होगा पिक्चर की क्वालिटी उतनी ज़्यादा होगी। सामने है 20 मेगापिक्सल, हालांकि मेगापिक्सल से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बट अपर्चर 2.0 है, तो आई थिंक जो पिक्चर की क्वालिटी होने वाली लगभग लगभग सेम होने वाली है। अभी इसमें प्रोसेसर है वो Redmi Note 5 Pro वाला ही है, और जो बैटरी कैपेसिटी भी है Redmi Note 5 Pro वाला ही है। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 636 ही आपको मिलने जा रहा है, और भी कुछ ज़्यादा चेंजेस इस फोन में होने वाले नहीं है। हालांकि यह फोन का परफॉर्मेंस कितना बिकता है, कैसा है फोन, आने के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा। गाइज अभी खबर आया है Redmi Note 5 Pro फोन के लेकर। आपको पता है ये फोन का दाम जो है उस पे जो कंपनी है वो परमानेंटली प्राइस कट करके 1000 रुपये तक लगभग प्राइस डाउन कर दिए हैं, होना ही था। Redmi Note 6 Pro फोन लॉन्च हो गया है, लगभग 23 तारीख से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस फोन के जो दाम है कम होने ही थे, तो परमानेंटली जो है इस फोन का प्राइस 1000 रुपये कम कर दिया गया। हालांकि Xiaomi का Redmi Y2 फोन इस पर भी प्राइस कम हो गया है, MI A2 फोन है इस पर भी प्राइस कम हो गया, इस तीनों फोन का परमानेंटली प्राइस डाउन हो गया। ऐसे ऑफर में जो होंगे डिस्काउंट तो वो और भी ज़्यादा डिस्काउंट होने वाले हैं। हाँ नेक्स्ट खबर जियो गीगा फाइवर की तरफ से आ रही है कि जो इनके ब्रॉडबैंड की स्पीड, आपको तो पता ही है कि जो इनके स्पीड होने वाले 1 GB/s वो तो मतलब औसम, इतना ज़्यादा स्पीड तो कोई देता ही नहीं। फिर भी एक स्पीड टेस्ट है नेटफ्लिक्स का ISP स्पीड टेस्ट से भी ये पता चला है कि जियो का जो ब्रॉडबैंड है गीगा फाइवर है वो सबसे ज़्यादा स्पीड देने वाला नेटवर्क है। हालांकि अभी तक तो फ्रिक्वेंटली सभी को ये फैसिलिटी अभी ब्रॉडबैंड की मिली नहीं है। आप अगर आपके एरिया में आप लोगों को मिली है तो शायद आप मुझे नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। हाँ एक लास्ट खबर बच रही है Xiaomi का Redmi Note 4 फोन के लेकर। आई थिंक पुराना हो गया, 2 साल 2.5 साल पहले का ये फ़ोन हो गया मॉडल। इसका MIUI 10 अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया, बट सभी यूजर्स को नहीं। मेरे पास भी कहाँ गया, मेरे पास भी Redmi Note 4 फोन है, बट उसके अपडेट अभी तक तो आई नहीं है, चुनने कस्टमर को मिले हैं। अभी शायद कुछ दिन में मुझे भी मिल जाएगा। सितंबर में हालांकि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था कि कुछ फ़ोन में वो लोग देंगे,
अब अभी जो है Redmi Note 4 पुराना फ़ोन है, फिर भी उसमें फ़ोन में ये आपको मिलने वाला है। गाइस वीडियो ख़त्म, मैं पूछता हूँ आपसे एक सवाल, 19 से 22 नवंबर तक Flipkart पे एक सेल चलने वाला, उस सेल का नाम क्या है नीचे आप कमेंट में बताइए। जो नेक्स्ट टेक प्राइम आएगी मे बी मंडे को, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन है विनर। फिलहाल के लिए स्टूडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। और वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, मतलब लाइटिंग मैंने थोड़ा सेटअप किया, सॉफ्टबॉक्स वगैरह लगाया हाथ से, तो कैसी लगी नीचे कमेंट में आप मुझे ये भी बता दीजिएगा। फिलहाल के स्टूडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर।